हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैंडविच और मैंने आपके साथ में 3 दिन का जो वीडियो है एक साथ शेयर किया है, मतलब धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का जो व्लॉग है मैं आपके साथ में एक साथ ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं एवरीडे व्लॉग शूट करूँ पूरे दिन का रूटीन और मैं आपके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल ही लास्ट टाइम आ चुका है। तो मेरे लिए अब खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं बस ऐसे शॉर्ट में कुछ शूट होता है, काम कर रही हूँ तो मैं शूट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं काफ़ी सारा रेस्ट ही करते रहती हूँ। तो इसीलिए मैं आपके साथ में 3 दिन का जो व्लॉगिंग है वो शेयर कर रही हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ धनतेरस के दिन सैंडविच ब्रेकफास्ट में। तो ये वेजिटेबल्स सैंडविच है जो कि मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बनाई थी, और धनतेरस के दिन से ही मेरे घर में जो है सजावट शुरू हुई थी दिवाली के लिए। एटलीस्ट 3-4 दिन तो कम से कम घर में लाइटें वगैरह लगनी चाहिए तो अच्छा लगता है। तो ये हमने अपना मंदिर जो है वो थोड़ा सा डेकोर किया था, घर में ये लाइट भी लग गई है, थोड़ी बहुत लाइटें हमने बाहर भी लगाई हैं और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, पर नाइट में ना ज़्यादा सुंदर दिख रहा था सब कुछ। ये बाहर का है व्यू और यहाँ पे बारिश बहुत होती है तो बाहर से जो है ना दीवारें थोड़ी ख़राब हो जाती है। ये इवनिंग में हमने स्नैक्स मैंने बनाया था और यहाँ देखिए रात को थोड़ा अच्छा लगने लगा था मुझे ये सब कुछ, स्पेशली मुझे मेरा मंदिर का जो एरिया है वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। ये है बाहर का व्यू और हम थोड़ी सी शॉपिंग के लिए निकले थे। शॉपिंग मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ तो बिल्कुल भी हालत नहीं है, पर नित्या के लिए ड्रेस लेनी थी तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ा, वरना मुझे जाने में कहीं पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नित्या के लिए एक ड्रेस लेनी थी दिवाली के लिए, और ड्रेस तो मैं भी, मतलब मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला तुम भी ले लो, पर मैं अभी ड्रेस लेके मतलब उसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मेरा थॉट ये है, क्योंकि फिर थोड़े दिन में जब वेट लॉस होता है, डिलीवरी हो जाती है, तो फिर सब कोई ड्रेस जो है ना वो बैक टू पहनने का मन नहीं करता, वो इतने ढीले। तो इसीलिए मैंने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की, मैंने सोचा काम चला लेती हूँ जो ड्रेस है उसी से, और बच्चे के लिए ले लेना चाहिए। तो मैंने नित्या के लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, हमने ड्रेस वगैरह ट्रेडिशनल ड्रेस हम उसके लिए ढूंढ रहे थे इस बार दिवाली स्पेशल, तो ये हमने एक उसके लिए ड्रेस ली थी। और मार्केट जो है पूरा गजागज भरा हुआ था, वैसे कुछ शॉपिंग मेरे से तो नहीं हो पा रही थी, तो बस थोड़ी बहुत जो है हमने इधर उधर सामान जो है देखा, बहुत लेस शॉपिंग की थी। बस मेरे हस्बैंड लेकर आए थे दिवाली के दिन जाके सब कुछ, उस दिन सिर्फ झाड़ू लेने की हमारे इधर मान्यता होती है तो वो हमने ख़रीदा था। और ये है छोटी दिवाली का ब्रेकफास्ट, उस दिन आइसक्रीम भी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो वो इतना एंजॉय कर रही है। मैं यहाँ पर वेजिटेबल शॉपिंग कर रही हूँ, मैं ज़्यादातर काम जो है ना ब्रेक में करती हूँ, थोड़ी देर बैठ गई खाना बनाया, बैठ गई खाना बनाया, ऐसा चलता है मेरा, जितना होता है मैं उतना ही बनाती हूँ, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा मेरे घर में स्ट्रिक्ट नहीं है कि सब कुछ मुझे प्रिपेयर ही करना है, क्योंकि हम 2 लोग हैं तो हमारा काम चलता है। तो यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ आलू और परवल की, जिसकी रेसिपी है मेरे चैनल पर, तो कोई स्पेशल नहीं है। तो ये था छोटी दिवाली के दिन का हमारा लंच, और मैंने यहाँ पे दाल ले ली, ये मेरी थाली है। ये है दिवाली का दिन, और दिवाली के दिन मैंने सुबह बनाई थी मैगी, ये वेजिटेबल्स मैगी है, और ये आटा वाला मैगी जो होता है ना वो ही बहुत टेस्टी होती है, तो वही हमने बना दिया था, क्योंकि दिन भर बहुत कुछ बनाना ही था तो सबसे पहले मैंने शॉर्ट में ही कुछ बना दिया था। और उस दिन मेरे हस्बैंड बाहर गए थे सारा सामान लाने, तो पेस्ट्री भी लेके आए थे, नीता वो इन्जॉय कर रही है, तो सब कुछ उन्होंने सामान लेके आया था, पूजा ये सब का, और मैं यहाँ पे जो है कुकिंग कर रही हूँ, दिवाली का दिन है ये। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली, यहाँ पे लंच प्रिपरेशन हो रहा है और दिवाली स्पेशल में क्या है आज मैं आपके साथ में शेयर जरूर करूंगी। और हमारे घर में दिवाली या कोई ऐसा शुभ जो होता है ना, फेस्टिवल वगैरह होता है, तो कढ़ी जरूर बनती है, तो मैंने कढ़ी बनाया है और अभी मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। और क्या क्या बनाया मैंने मैं आपको दिया, मैंने लंच के लिए बनाया जो भी बनाया है, और शाम को कुछ बनाऊंगी मैं तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे बहुत सारे काम है दिवाली के लिए, मंदिर वगैरह मुझे डेकोरेशन करना ही है, पेंडिंग है वो सब, पर यहाँ पे चलिए लंच का जो है मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ पहले। और ये पकौड़े आज बनाए हैं मैंने, ये आप सभी को भी हैप्पी दिवाली, दिवाली की तरफ से आप लोगों के लिए भी, इसमें ये आलू के पकौड़े, चने के पकौड़े और बाकी कढ़ी चावल सब्जी बनाई है मैंने।
और ये था मेरा दिवाली स्पेशल लंच। वैसे मैं कुकिंग में पीछे नहीं रहती, पर उस दिन मुझसे इतना ही हुआ तो मैंने बनाया था। और शाम को मैंने शाही पनीर बनाई थी, बहुत ही क्विक वर्जन है ये, मैं आपके साथ में शॉर्ट में शेयर कर लेती हूँ। ऑयल में डाला है मैंने जीरा, बड़े बड़े चॉप किए हुए प्याज, बस थोड़ी देर उसे भुनना है। डाल दिया यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक और ग्रीन चिल्ली। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टमाटर, सब रफली चॉप किए हुए डाल देना है आपको। और ये ना बिल्कुल नो टाइम में सब्जी बन जाती है, बहुत ही बढ़िया। नमक डाल दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया मैंने काजू एक रिच फ्लेवर आने के लिए, क्योंकि शाही पनीर बन रही है। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने, इससे जो कलर है टेक्सचर है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। और बस लो फ्लेम पे जो है इसको ढक देंगे और 5-10 मिनट के लिए आपको इसको ढक देना है। टमाटर जो है बिल्कुल सौगी हो जाएंगे और उसके बाद मैं इसे जो है ठंडा होने के लिए मैंने निकाल लिया है, उसे मैं ग्राइंड करूँगी। और यहाँ पे ना मैंने नारियल की बर्फी बनाई थी, मैंने ट्राई किया था पर वो जमी नहीं। मैंने कोशिश की थी शायद वो जम जाए पर वो जमी नहीं मुझसे, मैं कभी फिर और ट्राई करूँगी। फर्स्ट टाइम ही था तो मुझे भी मन कर रहा था कुछ मिठाई बनाने का, लेकिन हालत तो नहीं थी और मैंने बस ऐसे ही ट्राई किया था वो मिठाई। और बाकी तो बाहर से ही आ गई थी सारी मिठाई। तो यहाँ पे पनीर जो है मैंने थोड़ी सी फ्राई करके निकाल ली है और जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैं अच्छे से जो है यहाँ पे भूनूंगी। हाँ, आप जितना इसे भुनेंगे ना उतना ही जो शाही पनीर है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो एकदम रिच आपको एकदम अच्छे से उसे पीस लेना है, बिल्कुल क्रीमी सा। उसके बाद में यहाँ पे जो है अच्छे से उसे भुनना है। घर के जो रूटीन मसाले हैं वो सारे डाल के मैंने यहाँ पे शाही पनीर मसाला भी डाल लिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है। अब इसे अच्छे से आपको ढक्कन लगा लगा के जो है भुनना है, इसमें से बढ़िया ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तब तक के लिए। और एक तरफ वहाँ पे मैं ना मेरी बन रही है खीर, क्योंकि दिवाली है तो लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं वैसे। और यहाँ पे जो है शाही पनीर एक तरफ बन रही है। थोड़ा सा मैंने जो पानी है वो डाला है ब्लेंडर में, जो भी मसाला लगा रहता है उसी को ब्लेंड करके उसका पानी डाल दिया है। और बीच बीच में उधर मैं जो है शाही पनीर बना रही हूँ, सॉरी खीर बना रही हूँ, तो वो मैं हाथ धो धो के बार बार उस तरफ जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जो पनीर जो है शाही पनीर वो मेरी रेडी हो चली है, बहुत ही बढ़िया ये बन के आती है और बहुत जल्दी बन जाती है, नो टाइम में, 10 मिनट में हार्डली बन जाएगी अगर आपकी इसका जो मसाला है वो पीस के रखेंगे तो। यहाँ पे मैंने जो है क्रीम मिक्स किया है इसमें, फुल अमूल क्रीम। और ये देखिए मेरी शाही पनीर रेडी है। दिवाली के दिन मैंने डिनर में बनाई थी, वैसे मैं खाना बनाने में पीछे नहीं रहती हूँ पर उस दिन बस मैंने एक ही यही बनाई थी, शाही पनीर। अदरवाइज़ मैं वैरायटी बनाती हूँ, घर भी बहुत डेकोरेशन करती हूँ पर जैसी हालत हो। और यहाँ पे देखिए ये शाही पनीर तैयार है मेरी डिनर के लिए। ये शाम का है, मंदिर जो है मेरा सज चुका है, यहाँ पे मैंने जो है सारी तैयारियाँ जो है कर ली है और पूजा करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, और यहाँ पे एक छोटी सी रंगोली हमने बनाई है। और हम कैसे तैयार हुए थे वो वीडियो शूट नहीं हुई है, पर ये मेरी नित्या है और बाहर का हमारा व्यू है, तो हमारा घर ऐसा लग रहा था बाहर से। नित्या ने काफ़ी सारे पटाखे वगैरह जलाए थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो हैप्पी दिवाली सबको बोलते जा रही थी। ये मंदिर जो है पूजा करने के बाद का व्यू है, पूजा पहले हो गई थी लेकिन मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना, तब दिए भी बहुत सारे जलाए थे और तब शूट मैंने नहीं किया था। और यहाँ पे मैं जो हूँ रेडी हूँ और आप सभी को बोल रही हूँ हैप्पी दिवाली। और ये था उस दिन का सिंपल सा हमारा डिनर। बस इसी के साथ आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे, और मैं यहाँ पे जो है अपना वीडियो एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और यही है आज का हमारा डिनर। उम्मीद करती हूँ आज की जो दिवाली सेलिब्रेशन है आपको हमारा अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।